आप क्वेश्चन पूछेंगे? तो मैं पूछूंगा, आप लोग से पूछेंगे। ये कलेक्शन बहुत ही यूनिक है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ नॉटिकल प्रिंट्स एंड फ्लोरल प्रिंट्स का सोचना शायद काफ़ी मतलब कोई ऑर्डिनरी माइंड इतनी आसानी से सोच नहीं पाता, लेकिन जब आप इसको एक माइंड फॉर्म में देखें, सो इफ़ यू सी ये सारे जो पीसेज हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुली उन्होंने इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके अपने आउटफिट्स में डाला है। सो इट्स अ वेरी प्लेजेंट, वेरी वेरी वेयरेबल येट वेरी स्टाइलिश कलेक्शन। अभी स्माइल फाउंडेशन के साथ आप तक उसे आ रहा था प्रोत्साहन जी, तो मतलब जो है सोशल कार्य से जुड़ रही है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? जो मैं जिस संस्था के साथ काम करती हूँ, इट्स कॉल्ड प्रोत्साहन इंडिया फाउंडेशन, एंड मैं 2008 से ही अलग अलग टाइप के एनजीओस के साथ काम किया है, बट मोर और लेस वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड होते थे। एंड मैं बहुत इस कॉज के लिए स्ट्रॉन्गली फील करती हूँ इसलिए, बिकॉज आप जब एक औरत को अपने पैर पे खड़ा करते हैं, आप उसके साथ उसकी पूरी फैमिली और आने वाली जनरेशन को करते हैं। तो करंटली मैं जिस टाइप का काम करती हूँ वो थोड़ा स्ट्रैटेजी और कम्युनिकेशंस ओरिएंटेड है, और मैंने इस चीज़ में इनिशिएटिव लेने की कोशिश करी है कि हम अपार्ट फ्रॉम कन्वेंशनल स्कूलिंग जो लड़कियों को देते हैं, जिनसे शायद उन्हें एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हों शायद ना हों, उनको वोकेशनल टाइप की ट्रेनिंग ज़रूर देते हैं। एंड चाहे वो अपना कल को सिलाई सीख कर अपना खुद का बुटीक बना सकें, या ब्यूटिशन का कोर्स कर अपना खुद का पार्लर खोल सकें, तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स जिनसे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें और अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकें, इस टाइप का मैं काम करती हूँ। जिस रास्ते में आप चल रही हो वो रास्ता विदाउट एनी ब्रेकर बॉलीवुड में ही जाता है, क्या अभी कोई ऑफर आया आपको या कुछ इस तरीके से? ऐसा है नहीं, क्योंकि जो ये जिस रास्ता पे मैं चल चुकी हूँ वो कई सारे दरवाजे खोल देता है, और उसमें मैं जिस तरह के कॉजेज़ से एसोसिएटेड हूँ उस टाइप के कॉजेज़ के लिए भी काफ़ी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। आपने जैसे कहा बॉलीवुड, इन टाइप की चीज़ों के लिए भी काफ़ी विजिबिलिटी बन जाती है। लोग अक्सर क्या करते हैं, हर अपॉर्चुनिटी को एक बार ट्राई कर फिर डिसाइड करते हैं कि किस में उनको आगे बढ़ना है। जिनके लिए काम कर जाता है उनके लिए इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट या उनकी पर्सनल चॉइस के ऊपर है। मेरे को अभी तक मैंने सोचा नहीं इसके बारे में, बिकॉज मेरे पास अभी एक पैजेंट है, मेरे पास अभी एक फुल टाइम जॉब है जो मैं कर रही हूँ साइड बाई साइड, और मेरे पास अभी बहुत कुछ है करने को, काफ़ी ट्रेनिंग्स चल रही हैं मेरी। सो अभी तो मेरे लिए बॉलीवुड के बारे में सोचना तो बहुत ही दूर की बात होगी। भाई दुबे, अगर आपको मौका मिलता है तो आप किसके साथ काम करने की इच्छा रखते हैं? फरहान अख्तर, क्योंकि ना सिर्फ उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी नेचुरल है, लेकिन वो एक अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे सोशल कॉजेज, जिनके लिए मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ, उसके लिए काम किया है, अपनी खुद की एनजीओ खड़ी करी है। तो उनका इंटेलेक्ट, उनका एक सोशल कनेक्ट और उनकी एक्टिंग स्किल्स मुझे काफ़ी पसंद आती है। थैंक यू सो मच।